हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल अवध ग्लो में। थंबनेल और टाइटल देख के समझ गए होंगे कि अब हम लोग टैली प्राइम पर कार्य करने वाले हैं। टैली प्राइम क्या है, टैली प्राइम के अंदर एजुकेशनल मोड क्या होता है, प्रोफेशनल मोड क्या होता है, टैली प्राइम को एक्टिवेट कैसे करते हैं, इन सभी चीज़ों के बारे में आज हम इस वीडियो में बताएंगे। तो आप शुरू से लेके आखिर तक वीडियो में बने रहिए, वीडियो को जरा भी स्किप मत करिएगा। चलिए चलते हैं अपने कंप्यूटर के स्क्रीन पर। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का टैली प्राइम में। सबसे पहले हम लोग ये जानते हैं कि टैली प्राइम को ओपन करने पर हमें कैसा इंटरफेस दिखाई देता है। तो जब हम टैली प्राइम को ओपन करते हैं, सबसे पहले हमें यहाँ पर आप देख होंगे लाइसेंस के लिए एक इंटरफेस हमें दिखाई दे रहा है। तो ये तब होता है कि जब हम एजुकेशनल वर्जन यूज़ कर रहे होते हैं। ये जो टैली प्राइम है आप देख रहे होंगे, यहाँ पे लिखा है टैली प्राइम EDU। EDU मतलब होता है एजुकेशनल। इसका उद्देश्य पढ़ाई में किया जाता है। अगर हम इसको एक्टिवेट कर देते हैं, इसी प्राइम को, टैली प्राइम को अगर हम लाइसेंस के द्वारा एक्टिवेट कर देते हैं, तो ये हमारा प्रोफेशनल हो जाता है जो कि अभी एजुकेशनल है। तो अगर मुझे इसे एक्टिवेट करना है तो उसके लिए मुझे क्या करना होगा। एक्टिवेट होने पर जब ये एक्टिवेट हो जाएगा तो इस तरह का जो लाइसेंस आप देख रहे हैं, इस तरह का बॉक्स नहीं ओपन होगा। तो अगर मुझे इसे एक्टिवेट करना है तो इसके लिए यहाँ पे एक्टिवेट न्यू लाइसेंस पर क्लिक करेंगे। जब हम क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपसे एक डायलॉग बॉक्स ओपन करके पूछा जाता है, यू नीड एडमिनिस्ट्रेटर राइट्स टू परफॉर्म दिस एक्शन, डू यू वॉन्ट टू रिस्टार्ट टैली प्राइम विथ एडमिनिस्ट्रेटर राइट्स, यानी कि आपको टैली प्राइम को एक बार रिस्टार्ट करना होता है। फिर यहाँ पे हम यस पे क्लिक करते हैं या अपने कीबोर्ड से वाई प्रेस करते हैं, हमारा टैली जो प्राइम है वो फिर से रिस्टार्ट हो रहा है। तो टैली प्राइम हमारा जो है वो फिर से रिस्टार्ट होगा, और रिस्टार्ट होने के बाद ये एडमिनिस्ट्रेटर से वो ओपन हो जाएगा, जिसके बाद यहाँ पे एक्टिवेट लाइसेंस का बॉक्स ओपन होगा। इसमें हम सीरियल नंबर, एक्टिवेशन की और अपना ईमेल आईडी डाल करके इसे हम लोग एक्टिवेट कर लेंगे। तो अगर टैली प्राइम जो कि हम पढ़ रहे हैं, जो कि एजुकेशनल है, अगर इसे हमें प्रोफेशनल बनाना हो, इसे एक्टिवेट करना हो, तो इसके लिए कैसे करते हैं तो बताया मैंने आपको। वहाँ से एक्टिवेट लाइसेंस पर क्लिक करेंगे, एक बार रिस्टार्ट होगा प्रोग्राम, उसके बाद एक्टिवेट लाइसेंस में सीरियल नंबर, एक्टिवेशन की, ईमेल आईडी दे करके इसे हम एक्टिवेट कर लेंगे। अगर आप ये जानना चाह रहे होंगे कि सीरियल नंबर की, एक्टिवेशन की, ये सब कहाँ मिलेगा, तो जब आप टैली प्राइम को परचेज करते हैं तो शॉप से आपको ये सीरियल नंबर, एक्टिवेशन की सब उस सॉफ्टवेयर पर आपको लिखा हुआ मिल जाएगा। अभी हम यहाँ पर एजुकेशन पर्पस के लिए हम इसका प्रयोग कर रहे हैं, इसलिए हम यहाँ पर इसको एक्टिवेट नहीं कर रहे हैं। एजुकेशनल जो होता है टैली प्राइम और जो प्रोफेशनल होता है, उसमें केवल इतना ही अंतर होता है कि जो हमारा एजुकेशनल है उसमें जो एंट्री होती है वाउचर की, उसे हम डेली नहीं कर सकते हैं, और जो हमारा प्रोफेशनल होता है उसमें हम डेली एंट्री कर सकते हैं। ऐसा इसलिए बनाया गया है जिससे हम टैली एजुकेशनल का प्रयोग केवल पढ़ाई में कर सके, इसका प्रयोग व्यापार में ना कर सके। जबकि इसे हमें एक्टिवेट करने के बाद हम इसी टैली को अपने व्यापार में यूज़ कर सकते हैं। और एक्टिवेट करने के लिए आपको टैली प्राइम परचेज करना पड़ेगा, जहाँ से आपको सीरियल नंबर और एक्टिवेशन की प्राप्त होंगे। ईमेल आईडी में अपना ईमेल आईडी डाल करके इसे आप एक्टिवेट कर सकते हैं। तो टैली जो आपका एजुकेशनल है ये प्रोफेशनल हो जाएगा। तो हम यहाँ पर एजुकेशनल यूज़ कर रहे हैं, ये पढ़ाई के लिए है, ये एजुकेशन के लिए है, तो इस एक्शन को हम लोग हटा देते हैं, इसे हम लोग स्किप करेंगे। तो कीबोर्ड से सबसे ऊपर ESC करेंगे प्रेस, इससे हम इससे बाहर आ जाएंगे, और फिर से हम बैक आ गए हैं जहाँ पर हमने एक्टिवेट लाइसेंस पर क्लिक किया था। अब हमें यहाँ पर एक्टिवेट नहीं करना है, हमें केवल पढ़ाई के लिए यूज़ करनी है। तो यहाँ पे कंटिन्यू इन एजुकेशन मोड पर क्लिक कर देंगे, जिससे हमारा टैली जो है इसका होम पेज ओपन हो जाएगा। यानी पहली बार टैली प्राइम ओपन होने पर आपके सामने ये स्क्रीन दिखाई देता है, इसमें लिस्ट ऑफ कंपनीज, डाटा पाथ नेम, क्रिएट कंपनी, क्रिएट रिमोट कंपनी, स्पेसिफाई पाथ, सेलेक्ट फ्रॉम
ड्राइव, ऐसे ऑप्शन शो होते हैं। तो हम यहाँ से आगे बढ़ते हैं कंपनी बनाने के लिए। टैली में सबसे पहला काम होता है किसी कंपनी को बनाना। तो अगर हमें टैली प्राइम में कंपनी बनाना हो तो इसके लिए हम क्रिएट कंपनी ऑप्शन पर आकर एंटर करते हैं। कीबोर्ड के एरो की का प्रयोग करके हम इसे अप डाउन कर सकते हैं या हम माउस से यहाँ पर क्लिक कर सकते हैं और क्रिएट कंपनी पे आकर एंटर करते हैं, जिससे कंपनी क्रिएट करने के लिए यहाँ कंपनी क्रिएशन का एक फॉर्म ओपन होता है। इसमें कंपनी नेम, मेलिंग नेम, एड्रेस इत्यादि को भर करके अपने कंपनी को तैयार कर लेते हैं। इसमें सबसे मेन आपके कंपनी का नाम, मेलिंग नेम, एड्रेस, कंट्री, टेलीफोन नंबर के साथ साथ फाइनेंशियल ईयर और बुक्स बिगनिंग फॉर्म देना जरूरी होता है। यहाँ पे आपको बताना चाहेंगे हम कि जैसे आज जो डेट है वो 21 आप देख रहे होंगे यहाँ पे 21/6/2023 है। तो इस हिसाब से जो हमारा फाइनेंशियल ईयर है वो 1 अप्रैल 2023 होगा। लेकिन जो हमारा बुक्स बिगनिंग फॉर्म है ये क्या होता है? देखिए मित्रों, जो हमारा फाइनेंशियल ईयर होता है वो हमेशा 1 अप्रैल से ही शुरू होता है। 1 अप्रैल 22, 1 अप्रैल 23, 1 अप्रैल 24, ये चेंज नहीं सकता है। हमेशा किसी भी कंपनी का जो फाइनेंशियल ईयर होता है वो हमेशा 1 अप्रैल को ही शुरू होता है। लेकिन जो बुक्स बिगिनिंग फ्रॉम होता है ये वो डेट होता है जिस दिन हमारी कंपनी एक्चुअल में स्टार्ट होती है। ये तो हमारा वित्तीय वर्ष है और ये हमारी कंपनी का डेट है जो हमारी कंपनी स्टार्ट हो रही है। जैसे मानते हैं हम कि अगर हमारी कंपनी 1 जुलाई 2023 को शुरू हो रही है हमारी कंपनी, तो यहाँ पर फाइनेंशियल ईयर जो होगा वो 1 अप्रैल 2023 होगा और जो हमारा बुक्स बिगिनिंग फॉर्म है वो 1 जुलाई 2023 होगा। चलिए चलते हैं अपनी कंपनी को क्रिएट करते हैं। तो सबसे पहले कंपनी नेम, कंपनी नेम में लिखा अवध ग्लो, मैंने अवध ग्लो कंप्यूटर। मेलिंग नेम में भी यही रहेगा, एड्रेस में रहेगा, जो भी हमारा एड्रेस होगा उसे भरेंगे और एंटर करते करते यहाँ पर हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है, कंट्री यहाँ पे इंडिया, इंडिया, पिन कोड जो भी होगा कंपनी का उसे भरते हुए हम लोग आगे बढ़ेंगे। यहाँ पे 1 अप्रैल 2023 और यहाँ पर 1 जुलाई 23 और एक्सेप्ट। इसके बाद यहाँ पे कंपनी क्रिएट सक्सेसफुली का ऑप्शन आएगा। इसमें कुछ फीचर्स को हमें एस या नो करना होगा, तो जैसे है उसको वैसे ही करके एंटर एंटर करते हुए हम लोग इसे एक्सेप्ट कर रहे हैं। अब यहाँ पर आप देख रहे होंगे, थोड़ा बैक आते हैं, यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे GST इनेबल गुड्स एंड सर्विस टैक्स, GST को यहाँ पे एस करना पड़ रहा है। तो GST को एस करेंगे तो हमें बहुत सारा डिटेल देना पड़ेगा, तो अभी हम GST नहीं पढ़ रहे हैं इसलिए हम यहाँ पर GST को नो करते हैं। GST को हम यहाँ पे नो करते हैं। यहाँ पर आप देख रहे होंगे मेंटेन अकाउंट्स यस है, इनेबल बिल वाइज एंट्री एस है, मेंटेन इन्वेंट्री एस है। इस तरह से कुछ ऑप्शन यहाँ पे जो एस हैं, लेकिन हमें अभी GST मेंटेन नहीं करना है इसलिए GST को हम एन करके एंटर करते हैं और हम एक्सेप्ट कर देते हैं और हमारी कंपनी बन गई। तो अगर हमें GST पढ़ना होगा तो फिर हम GST को भी एस करेंगे और बताएंगे कि उसमें क्या कैसे भरा जाता है। अभी बिना GST के हम लोग एक बेसिक तरीके से समझेंगे कंपनी कैसे बनाते हैं। तो कंपनी हमारी बन चुकी है। अब अगर हमें कंपनी को यहाँ पे बंद करना है तो उसके लिए आप देख रहे होंगे यहाँ पे कंपनी का ऑप्शन आ रहा है। कंपनी, माउस लेंगे और कंपनी पे क्लिक करेंगे तो यहाँ से आपको अल्टर का ऑप्शन मिलेगा जिसके द्वारा कंपनी में भरे गए डाटा में बदलाव कर सकते हैं। जैसे आपने कंपनी का नेम भरा है, एड्रेस भरा है, टेलीफोन नंबर, मोबाइल नंबर, पिन कोड इत्यादि, अगर इसमें कहीं कोई बदलाव करना हो तो हम अल्टर में आएंगे। अब देखिए वो फॉर्म फिर से खुल गया और यहाँ पे पिन कोड नहीं दिया गया है, तो पिन कोड में आके मान लीजिए हमारा पिन कोड 272001 है तो इसको भर करके हम लोग क्या करेंगे, एक्सेप्ट कर लेंगे। एक्सेप्ट करने के लिए एंटर करेंगे या शॉर्टकट कंट्रोल ए से हम इसको एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो इस प्रकार से अल्टर का जो प्रयोग है वो है कंपनी के डेटा में बदलाव करना। और जो हमारी कंपनी खुली हुई है, ठीक है, देखिए हम बैक करते हैं, स्केप करते हैं, यहाँ पर देखिए लिख के आ रहा है अवध ग्लो कंप्यूटर, ये हमारी कंपनी ओपन है। इस कंपनी का जो करंट पीरियड है वो 1 अप्रैल 2023 से लेके 31
मार्च 2024 तक है और ये करंट डेट जो दिखा रहा है 1 जुलाई 2023। यहाँ पे करंट डेट इसलिए दिखा रहा है क्योंकि हमने जो बुक्स बिगिनिंग फ्रॉम में डेट डाला था वो 1 जुलाई ही डाला था, इसलिए यहाँ पे दिखा रहा है 1 जुलाई 2023। अब हमें अगर कंपनी बंद करना हो तो कंपनी पे क्लिक करेंगे और यहाँ से सर्ट पे क्लिक करेंगे तो हमारी कंपनी बंद हो जाएगी। और इसको बंद करने का शॉर्टकट Ctrl+F3 होता है। तो अगर हमें कीबोर्ड अच्छा लगता है यूज़ करना तो हम कीबोर्ड शॉर्टकट यूज़ करेंगे Ctrl+F3। अगर हमें माउस से अच्छा लगता है यूज़ करना तो हम माउस से शॉर्ट कंपनी पर क्लिक कर देंगे और हमारी कंपनी बंद हो जाएगी। यहाँ पे कंपनी का नाम शो हो रहा है, एक बार और एंटर करेंगे तो हमारी कंपनी बंद हो गई। ठीक है, आप देख रहे होंगे यहाँ पे नीचे यहाँ पे कंपनी का नेम शो हो रहा है कि ये कंपनी हमारे टैली प्राइम में बनी हुई है। बाकी स्केप से पीछे आते हैं आप देखेंगे कि यहाँ पीछे करने पर अब ऑप्शन आ रहा है क्विट करने का, यानी कि अगर आपको टैली प्राइम बंद करना हो तो इस क्विट ऑप्शन के इस पर क्लिक कर देंगे या एक बार एंटर प्रेस करेंगे हमारा टैली प्राइम बंद जाएगा। लेकिन अभी बंद नहीं करना है हमें, हम फिर से एक बार स्किप करते हैं, ये ऑप्शन हट जाएगा और फिर से हम अपने मेन पेज पर आ जाएंगे। यहाँ से अगर हमें कंपनी ओपन करना है तो देखिए कंपनी यहाँ पे दिखाई दे रहा है, आप यहीं पर एंटर कर सकते हैं या फिर आप कंपनी नहीं आप यहीं पर आपको यहीं पर क्लिक करना होगा और एंटर करना होगा। हमारी कंपनी ओपन हो गई, फिर से हमारी कंपनी ओपन हो गई। अब कंपनी ओपन हो गई है, अब कंपनी के अंदर आइटम बनाना, लेजर बनाना, इन सब चीज़ों के बारे में हम आगे पढ़ेंगे। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको टैली प्राइम कंटिन्यू पढ़ना है, सीखना है कि टैली पे वर्क कैसे करते हैं, एक अच्छा नॉलेज प्राप्त करने के लिए आप प्रत्येक वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए, इसको जरा भी स्किप मत करिए। और अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो अपने दोस्तों में, अपने जानने पहचानने वालों में इसको शेयर करिए और अधिक से अधिक इसको लाइक एंड सब्सक्राइब कराइए, जिससे चैनल हमारा और अच्छा ग्रो हो सके, जिससे हम आपको और अच्छे तरीके से नॉलेज दे सकें। तो अगले वीडियो में हम जानेंगे लेजर बनाना, आइटम बनाना और वाउचर की एंट्री करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।